प्रभु की नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु हम सभी को आज ये सुंदर अवसर दिए ताकि हम सभी लोग फिर से इकट्ठा हो पाए। परमेश्वर की अनुग्रह है जो कि हम लोगों के लिए सदा सर्वदा प्रभु की दया के वजह से हम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों से मेरे जीवन से आधारित कुछ बातें बताना चाहता हूं जो परमेश्वर से जुड़ने के बाद मेरे जीवन को प्रभु ने बदले और वो मेरे को सिखाए एक सक्रिफाइस लाइफ यानी एक समर्पित का जीवन के बाद जो हम लोग आशीष को पाते हैं, आशीष को पाने के बाद जो हमें परिचय मिलता है और वो परिचय के बाद हम लोग के जीवन में स्पेशली विशेष करके जैसे हम लोग स्वर्गीय शांति को अनुभव करते हैं। मेरा कहना यह था, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख आया, कष्ट आया, तकलीफ आया, लेकिन उसके बावजूद जबकि मैं प्रभु के साथ था और अभी भी हूं। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है जो कि मार्कुस उसका 16-17 में हम लोग एक विश्वासियों के बारे में एक पहचान को देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, विश्वासियों के बारे में हम लोग एक पहचान को देख सकते हैं और प्रभु यीशु ने विश्वासियों के कुछ चिन्ह वहां पर दिए। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति प्रभु से समर्पित होते हैं, प्रभु के पास और ज्यादा करके अपने समय को बिताने लगते हैं, मेरे कहने का मतलब है जो दास दासी हम लोग ये सीधे ओर से बाइबल में देख सकते हैं, सीधे ओर से हम लोग ये वचन में सुन सकते हैं और आज के दिन में भी हम लोग बहुत सारे प्रभु के संतानों जो कि दास और दासी है उनके जीवन में हम लोग देख सकते हैं प्रभु उन लोगों को एक पहचान दिए हैं जो पहचान परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वचन को बांटते हुए प्रभु के राज्य के लिए लोगों को वही राज्यों में लेके जाना और ये पृथ्वी पर भी उनके जीवन में शांति को लाना, फिर एक परिवार को अच्छा से गठन करना। हाँ मेरे प्रियो, ये प्रभु की अनुग्रह से होता है और विशेष करके एक व्यक्ति जो कि खुद के जीवन में समर्पित का जीवन काटे उसी के द्वारा होता है। मेरा कहना यह था, मेरा जीवन में दुख भरा हुआ जीवन गुजारते गुजारते 2011 से 2018 जबकि 2011 मसीहा में मैं प्रभु को पाया था और 2011 मसीहा से ही मेरे को प्रभु की दया से पहचान मिल गया। करीब 70 यानी 70 नियरली स्टेज मेरे को मिल गया। हाँ, 1000 लोग थे, कहाँ 3000 लोग थे, कहाँ 5000 लोग। एक दिन ऐसा आता है मेरे प्रियो, मिरेकल होता है, लोग चंगाई को पाते हैं, लोग वचन को पाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है अब मेरे प्रभु मेरे पास जरूर मेरे पास है, अभी भी है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लगने लगा कि मेरे को कुछ प्रभु ने डिफरेंट बनाया। मेरे मन में आया कि प्रभु मेरे को व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को यूज कर रहे हैं, लेकिन 2019 में मेरे को यह समझ में आया कि प्रभु मेरे को एक ट्रेनिंग पीरियड में छोड़े। हाँ मेरे प्रियो, जब चंगाई होता था, जब वचन बांटते थे और पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ्य से भर के लोगों के अंदर परिवर्तन होता था, एक दिन ऐसा भी आया प्रचार के समय में और एक गांव में वहां के लोग मीटिंग कंप्लीटली खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद आकर कहते हैं, हे प्रभु के दास, आपके पास कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरे को लगा कौन व्यक्ति होंगे, लेकिन कैमरा में पता चला वो एक दूत है। कई लोग मेरे को बोले कि चलो YouTube में लोड करते हैं, YouTube में भरते हैं और बहुत सारे विषय करते हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना किया प्रभु मेरे को बोले, बेटा
तेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है 70 मीटिंग कंप्लीटली स्टेज पर चढ़ने के बाद, अंधा देखने के बाद, दूत लोग साथ रहने के बाद भी मेरे को प्रभु एक शब्द बोले और वो था, बेटा तेरे को सीखना। मेरे को लगा कि मैं बहुत सारे भाई बहनों से सीख सकूंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे को प्रभु बताए कि तू मेरे सामर्थ्य के द्वारा सीख, और तेरे सम्मुख में जो कि मेरा शब्द है उसे तू पढ़। मेरे 70 मीटिंग के बाद मैं सीखते गया, मेरे जीवन में डेडिकेटेड आते गया। किसी को ना कहने हुआ कि मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ, किसी को ना अपना फोटो दिखाने हुआ कि मैं एक प्रचारक। लेकिन करीब 2019 में एक दिन आता है और वो दिन है प्रभु आखिरी में कहता है, बेटा तुम्हारा परिचय देने का समय आ गया है। करीब मेरे जीवन में 10 से 12 साल की तकलीफ, मेहनत, लोगों की निंदा, दुनिया की जो भी सांसारिक को तोड़कर खुद के जीवन में आत्मिक को जागृति देना, ये एक साधारण विषय मेरे लिए नहीं था। मैं पिता से कहता हूं, हे पिता, क्या आपकी दया मेरे ऊपर है? स्वर्ग में तो दूत है, क्या पृथ्वी में मेरे साथ ये दूत होगा? प्रभु बोले, तेरे चारों ओर है और प्रभु की अनुग्रह के वजह से मैं जो दिन और रात भर प्रार्थना करते रहता हूं, सडनली प्रार्थना करते समय उनके दूत लोग दिखाई देते, बहुत सारे दूत दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति दिखाई देता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देता है। और उसी समय परमेश्वर फिर से कहते हैं, बेटा परिचय का समय आ गया है और ये दूत लोगों को केवल तू ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग देखते हैं। आज भारत के कोने में जो कि उड़ीसा है, इंडिया के एक कोने में उड़ीसा है, और उड़ीसा के एक कोने में कोरापुट जिला है, और कोरापुट जिला यानी कि जयपुर में जो सारण देव टावर है, 24/7 हम लोग दूध को देखते हैं। बहुत सारे विश्वासी आते हैं देखने के लिए, या तक आप YouTube में देखेंगे। अगर आपको लाइव देखना है तो फिर आप लोग ये एड्रेस पर आ सकते हैं, और आप लोग कृपया करके कोई ऑफिस नंबर भी दिया होगा, आप लोग कॉल करके विजिट कर सकते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। जागते रहूंगा और सेवा में संपूर्ण ओर से समर्पित के जीवन को काटूंगा। इसलिए ये जो मेरा ख्वाब है, ये जो मेरा सपना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। और चाहे आप उड़ीसा के अंदर हो, चाहे उड़ीसा के बाहर भारत में हो, या इंटरनेशनल में हो, कहीं कोने पे हो, एक विषय को मैं कहना चाहता हूँ। बहुत मिनिस्ट्री में दूध लोग चले जाते हैं, लेकिन चारों से सवर में दूध लोग 24/7 मौजूद रहते हैं। आपको देखना, आप लोग आ जाइए। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, सुबह 4 बजे ज्वाइन कीजिए। आपको चंगाई को पाना है, काउंसिलिंग जानना है, प्रभु यीशु के सामर्थ को पहचानना है, आपके लिए हर फ्राइडे, हर शुक्रवार मैं 10 बजे से रात के 8 बजे तक जागते रहता हूँ। मेरा प्रार्थना सभा जहाँ आयोजन होता है वहीं पर जो नंबर है वहाँ पर कॉल कीजिए, और आपकी हर एक समस्या के लिए हम लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, मेरे ओर से
आप सभी को यीशु मसीह मेरे ओर से आप सभी को और ढेर सारा प्यार। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड।